तुमने हमसे दारुल सल्तनत नहीं छीना बर्नार्ड, खुद अपनी कब्र खोदी है। मेरे हाथों मरने वाले सिपाहियों का और आवाम का यह ख्याल नहीं है। कब्रिस्तान तो दरअसल तुम्हारा महल बन चुका है। बच जाने वालों को हमारे हवाले कर दो बर्नार्ड, और शहीदों का हिसाब बराबर करने मैदान में आ जाओ, वरना तुम्हारा सर काट के लोगों को बचा लेंगे। मैं नहीं समझता जब तक तुम्हारे घर वाले हमारी कैद में है तुम ऐसा कुछ करोगे। तुमने अपने आप को मेरे गजब का हकदार साबित कर दिया है बर्नार्ड। मार डालो सबको। रुक जाओ। अब समझे, मैं तो कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा था तुम्हें। दमिश्क पर हमला करने की कोशिश की तो ये औरतें मरेंगी। पहले जो मैं चाहता हूं वो तुम करोगे, और फिर दमिश्क के साथ घर वाले भी मिल जाएंगे तुम्हें। क्या चाहते हो तुम? कुछ ज्यादा नहीं, शहर के बीचों बीच मुझसे वफादारी का हल्फ उठाना होगा, और आज से मेरे मातहत बनकर दमिश्क पर हुकूमत करोगे। तुम ऐसा करोगे तो घर वालों के साथ दमिश्क भी मिल जाएगा। हमारे सर झुकते जरूर हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह के आगे, और दुश्मन एक मोमिन का सर शहीद होने से पहले नहीं झुका सकता। हम अपने प्यारों को हर हाल में बचा लेंगे, तब हमें कैसे धमकाओगे? अगर तुमने उनको बचाने की कोशिश की तो यकीनन मारी जाएंगी। ऐसा कभी मत करना। सुल्तान नूरुद्दीन, तुम्हारे पास कल तक की मोहलत है, या मेरे हाथ पर बैत करोगे या अपने घर वालों से जुदा होगे। जाओ इनको।